दोस्तों देखिए, दोस्तों प्रेम से देखिए क्या कर रहे हैं। साग बनाने जा रहे हैं, मेरे नथरी साग बना रही है, देख लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए क्या बना रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, बन रहे हैं हमारे ब्रो, मुँह धो के फ्रेश हुए हैं और अभी जा रहे हैं। देखिए नाना, दोस्तों नाना बोलो। देखिए दोस्तों प्रेम से देखिए क्या कर रहे हैं, साग बनाने जा रहे हैं, मेरे नथरी साग बना रही है, देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मिस्टर अमित राज ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम क्या बना रहे हैं, साग चोखा और चावल बनाएंगे दोस्तों। चूल्हा में खाना बनाते हैं, चूल्हा भुता गया है दोस्तों, धुआं हो रहा है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, गरीबी जीवन किसी तरह से काट रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों। कोई गलत बात है तो देख लीजिए, अपना नजर से देख लीजिए दोस्तों, गलती सही माफ कीजिएगा दोस्तों, दया दृष्टि कीजिएगा दोस्तों, गरीब पर दया कीजिएगा दोस्तों। और क्या कहते हैं, चूल्हा में अभी गैस हम लोग का घर में रहता तो गैस में खाना बनाते, लेकिन हमारे घर में गैस उसने जरना भी नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों साग बनके रेडी होने वाला है। देखिए दोस्तों इसमें रेडी नहीं होने वाला है दोस्तों, इसको क्या मालूम। देखिए दोस्तों ये पानी है, साग का पानी सीज गया और थोड़ा सा पानी डाल के तब साग चढ़ाए थे तो आप लोग को नहीं देखा पाए दोस्तों। तो ये पानी इसमें देखिए दोस्तों कितना काला पानी है, दिखा दीजिए पानी को, देख रहे हैं कितना काला पानी है दोस्तों। इससे निकाल के इसमें डाले हैं, थोड़ा तीतापन खत्म होगा दोस्तों, तीता लगता है दोस्तों, इसलिए इतना काला है ना, इसमें तीता निकलेगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों आलू डाले हैं, चटनी में बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे डालते हैं। तो जिसको जिसको खाने का मन है हमारे घर आइए और हम साग भात और आलू का चटनी खिलाएंगे दोस्तों। तो कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे खाएंगे दोस्तों आप लोगों को दिखाएंगे, तो हमारे वीडियो में जुड़े हुए रहिए दोस्तों। और वीडियो देखने से पहले एक लाइक कमेंट सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत दोस्तों, भूलिएगा मत, हम बार बार हर एक वीडियो में बोलते हैं। देखिए दोस्तों ये पानी है, इसमें पानी डालेंगे। देखिए दोस्तों पानी डाल दिया। देखिए दोस्तों इससे आलू डाल, पहले वाला साग का पानी उसको निकाल के फेंक दिए, दूसरा पानी इसमें डालें। देखिए दोस्तों पटवा का साग है, लेकिन उसमें ये क्या है, कलछुन, थोड़ा कलछुन से ऐसे ऐसे कर देते, घुरा देते हैं, थोड़ा इसको घाट देते, तब ना खाने में स्वाद लगेगा, तब ना खाने में स्वाद लगता है, ऐसा ही थोड़ा इसमें मेहनत है, हम तब तो इतना मजा था नहीं, इतना इतना भात खा लो, इतना इतना इतना। देखिए दोस्तों मिर्ची लेके, इसमें मिर्च लेके चूल्हा में घुसाए हैं और उसमें तेल और नमक डाले हैं और मिर्च वो चटनी में डालेंगे, इसका चटनी में आलू का चटनी में डालेंगे। हो गया दोस्तों, देखिए क्या सब है, नमक तेल मिर्च चटनी में डालने के लिए। आप देखिए दोस्तों ये क्या है, लहसुन इसमें डालेंगे दोस्तों, किसमें, पटवा का साग में। अब डालेंगे कैसे, ये देखिए इसको थोड़ा चूल्हा में पकाएंगे। हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो पूरा खाना बनाने के लिए पूरा सीख जाइएगा, सपोर्ट दीजिएगा, थोड़ा क्या पूरा फुल सपोर्ट दीजिए, थोड़ा मस्त दीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या है, सरसों का तेल, फिर इसको चूल्हा में घुसाएं, ये दोस्तों हमारे वीडियो में सिर्फ जुड़े हुए रहिए। ये क्या है,
मिर्च, लाल मिर्च, देखिए दोस्तों ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, जीरा, पचफोरना और जमाइन और मेथी सब चीज है इसमें डाल दिए। ये क्या है दोस्तों, क्या है थोड़ा इसको भी डाल दिए। अब इसको थोड़ा चूल्हा में घुसाएंगे। देखिए दोस्तों पक गया है, पक गया पूरा, इसको ऐसे करके छोड़ दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों साग कितना मजेदार है। इसको ऐसे करके रख दिए। देखिए दोस्तों सब आलू छिला हुआ हो गया, इसमें सब चीज आप डालेंगे। इसको थोड़ा भून दिए, आलू को थोड़ा भून दिए। देखिए दोस्तों चटनी, और देखिए चटनी बन गया तैयार। ऐसे कर करके डाल देते हैं। देखिए दोस्तों खाना बन के तैयार है, खाने जा रहे हैं।